हाय, दिस इज काशी। वेलकम बैक टू माय चैनल काशी होम डेकोर आइडिया। आज का मेरा वीडियो छत्तीसगढ़ की ट्रेडिशनल आर्ट पर है और इस आर्ट को हम ढोकरा आर्ट के नाम से जानते हैं। मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो भी ढोकरा आर्ट पे था। इस आर्ट को यहाँ के कलाकार बहुत ही मेहनत और कुशलता के साथ पूरा करते हैं और समय समय पर गवर्नमेंट भी इन कलाकारों को सहयोग और मंच प्रदान करती है और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इस कला की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अगर आप जब भी इस कला को खरीदते हैं तो इस कला को जीवित रखने में और कलाकार को प्रोत्साहन देने में अपना सहयोग प्रदान करती है। तो आज के इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि ये आप तक अगर उपलब्ध हो पाती है या आप इसको खरीद नहीं पाते हैं तो क्ले की हेल्प से आप इसे घर पर कैसे बना सकते हैं। तो हमने ली है यहाँ नेट से निकाली हुई इमेज, NY6 का प्रिंट आउट निकाला है और साथ में लिया है OHP शीट और हम तैयार करेंगे कुछ इस तरह का आर्ट पीस। किसी भी हार्ड सरफेस पर प्रिंट आउट को मास्किंग टेप से इस तरह से अच्छे से स्टिक कर लें कि वो मूव ना कर पाए और उसी तरह से OHP शीट को भी इसके ऊपर स्टिक कर देना है। इसके बाद लिया है फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसे एक पैकेट में दो पाउच निकलते हैं। डार्क वाला हार्डनर है और लाइट कलर का रेजिन है। क्ले के साथ काम करने से पहले पेट्रोलियम जेली या टेल्कम पाउडर हाथ पर लगाना है ताकि ये हाथ पर स्टिक ना हो। रेजिन और हार्डनर को इस तरह से लेते हुए आप इसे मैश करते जाइए जब तक कि ये अपना पूरा व्हाइट कलर में ना आ जाए। मोल्डेड के साथ काम करने से पहले इसकी थोड़ी टेंडेंसी जान लेते हैं। ये 30 से 40 मिनट के अंदर हार्ड शुरू हो जाता है और डिटेलिंग के लिए हमें इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले बोर्ड के अंदर के चेक से हम शुरुआत करेंगे। ढोकरा आर्ट का जो मेन फीचर है वो उसके कॉइल है, यानी कि पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिंग्स हैं। इसी से ढोकरा आर्ट का वो एक सुंदर सा अलग सा लुक दिया जाता है। अगर हम फिंगर की हेल्प से इस कॉइल को बनाने की कोशिश करते हैं तो फिंगर के प्रिंट्स भी इस पे आ जाते हैं और कॉइल भी हमारा इवन नहीं बनता है। तो इसके लिए हमने लिया है प्लाई या वुड का छोटा सा पीस जिसकी सरफेस इवन हो। कॉइल बनाने से पहले इसके सरफेस पे और इसके बेस पर पाउडर लगाइए और इस तरह से हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए कॉइल तैयार करना है। कॉइल से इस तरह से हम बोर्ड का बेस तैयार करेंगे। बीच की चेक की डिजाइन के लिए हमको पतली कॉइल तैयार करना है। कॉइल को स्टिक करने के लिए हमने यूज किया है व्हाइट ग्लू। मोल्डेड के साथ काम करने में हमको ध्यान रखना है कि रेजिन और हार्डनर की क्वांटिटी उतनी ही रहती है जितना कि हमको 30 मिनट में यूज हो सके, वरना ये हार्ड हो जाता है। इसी तरह डिजाइन पे एक साइड की लाइनिंग तैयार करनी है। पूरी डिजाइन तैयार होने के बाद वो किस तरह से आएगा अब दिखाई गई तरीके से डिजाइन में क्रॉस करते हुए कॉइल लगाना है। इसी तरह पूरा डिजाइन तैयार किया है। डिजाइन तैयार होने के बाद बोर्ड के बेस पर हम एक कॉइल और लगाएंगे। तो फिर कॉइल तैयार कर लेते हैं। व्हाइट ग्लू लगाकर इस कॉइल को लगाना है क्योंकि ये कॉइल बोर्ड के बेस की है इसलिए थोड़ा सा ठीक रहेगी। इसी तरह बोर्ड के ऊपर की कॉइल लगा लेते हैं। अब एक थिन कॉइल बना के बोर्ड के नीचे की डिजाइन तैयार करते हैं। कॉइल बनाने के लिए क्ले को थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा जिससे वो हमारी फिंगर में स्टिक भी नहीं होता है और काम करने में भी आसानी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है।
इसी तरह पूरी बोट की डिजाइन तैयार कर ली है। अब एक कॉइल तैयार करते हैं बोट के बेस के लिए। यहाँ लगाया व्हाइट ग्लू और इस पर इस तरह से कॉइल को स्टिक किया है। अब यहाँ पर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से इसमें डिटेलिंग कर देनी है। यहाँ क्ले टूल्स के जगह आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। डोकरा आर्ट की स्पेशलिटी ही उसके कॉइल है, तो अब हम फिर से कॉइल तैयार करेंगे। ये कॉइल थोड़ा सा थिक रहेगी और अब इसे हम वुडन पीस से फ्लैट कर देंगे। इसके एजेस को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लिया है। व्हाइट ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक करना है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फ्लैट कॉइल पर डिजाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हम थिन वाली कॉइल का यूज करेंगे। व्हाइट ग्लू लगाकर उसे इस तरह से स्टिक करते जाना है। इस तरह से डिजाइन तैयार हो गई है। अब यहाँ पर व्हाइट ग्लू लगाकर इस पर छोटे छोटे बॉल को स्टिक करेंगे। इस पर डिजाइन बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं। बोर्ड के जॉइंट्स बनाने के लिए हम थिन कॉइल का यूज करेंगे। इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट में रिलीज करना होगा, क्योंकि एक पार्ट में इसको बनाना सिखाना है और दूसरे पार्ट में कलरिंग के साथ में इसको फ्रेम में अटैच करना सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जॉइंट्स का काम पूरा हो गया है। अब बोर्ड की दूसरी तरफ हम नेक की तैयारी करेंगे। टीयर ड्रॉप बनाकर उसे हल्के हाथ से प्रेस करके इस तरह का शेप बनाया है। एसेस को टेलकम पाउडर लगा के थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है और व्हाइट ग्लू से इसे स्टिक किया है। यहाँ हम कॉइल लगाने की जगह डिटेल से कॉइल का इंप्रेशन बनाएंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ भी थिन कॉइल का यूज कर सकते हैं। अब ड्रॉप शेप को फ्लैट करके इसका फेस बनाएंगे और इसे स्टिक करने से पहले इस तरह से कॉइल का काम कर लेंगे। वीडियो में दिखाए गए तरीके से कॉइल लगाते जाइए। आपने देखा होगा कि मैं एक तरफ से काम को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसको मैंने सेट करने के लिए छोड़ दिया है। जब भी क्लिप पे हम कोई काम करते हैं तो उसे सेट करने के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद हम उस तरफ काम करते हैं। जब वो सेट हो जाता है तो हम वापस उसके पास आके उसका काम करते हैं। अब हम इस पर व्हाइट ग्लू लगा कर काम स्टार्ट करेंगे। डिटेलिंग के लिए और एम्बेलिशमेंट बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्ले को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखना है। अगर हम फ्रेश क्ले पे काम करेंगे तो हमारे एम्बेलिशमेंट में उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी कि सेट होने के बाद आ सकती है। बोर्ड के बैक साइड वाली डिजाइन वीडियो में दिखाए गए तरीके से तैयार करते जाइए। अब बोर्ड के बीच में बने डिजाइन को तैयार करना है। इसके लिए हमने थोड़ा सा डिजाइन को फ्लैट कर लिया है। इस तरह डिजाइन करके उसे उसके डिजाइन के ऊपर स्टिक कर दीजिए। अब इसके लिए से हम हॉर्न्स बनाएंगे। Thank you.
आगे की डिज़ाइन के लिए हमें ट्राइंगल शेप में क्लिप तैयार करना है और इसमें डिटेल से डिटेलिंग की गई है। अब बोर्ड के नीचे लगने वाले एम्बेलिशमेंट को लगाते हैं। बोर्ड की डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके फिगर्स पे काम करेंगे। वीडियो में दिखाई गई तरीके से दोनों फिगर्स तैयार कीजिए। नोज और माउथ के लिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से नाइफ की हेल्प से छोटा सा कट लगाइए। अब कॉइल से इसके कपड़े बनाना है। कॉइल बना के इनके हाथ तैयार करने हैं। अब बोर्ड की पतवार भी कॉइल से तैयार की है। इसके लिए हमें थोड़ा सा मोटा कॉइल तैयार किया है और हमने इसे हार्ड हो जाने के बाद ही लगाना है। हाथों को आगे से थोड़ा सा फ्लैट करके इसको पतवार के साथ में ज्वाइन करना है और सभी ज्वाइंट को व्हाइट ग्लू से स्टिक करना है। यहाँ कॉइल को राउंड शेप देकर फिंगर से प्रेशर देकर हार्ट शेप में चेंज किया है और इसे वाइट ग्लू से स्टिक किया है। छोटे से ग्लिकी बॉल बनाकर आइस को बनाया है और इसके बाद इसकी ज्वेलरी बनाई है। इस तरह कॉइल से हेयर्स तैयार कीजिए। क्ले से छोटा सा सी बना के का कान बनाया है। ये फिगर तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा फिगर बनाना है। अब इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ना है। हम इसे शीट से निकालेंगे। अब हम स्केल की हेल्प से इसे शीट से अलग करेंगे। बहुत ही केयरफुली इसे शीट से अलग करिए और ये बहुत आसानी से शीट से अलग हो भी जाता है। बस आपने जो एम्बेलिशमेंट लगाए हैं और जो बारीक काम किया है उसकी केयर करनी है। तो देखिए कितनी आसानी से ये शीट से अलग हो चुका है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा पीस बन के तैयार हुआ है। इसके साथ ही हम ये अलग से बनाया हुआ एम्बेलिशमेंट भी बना के लगा सकते हैं।
अब इस पे कलर करना और इसे फ्रेम में किस तरह से सेट करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे होम।